स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज का लेसन 5 आई एम जॉन्स हर्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं जे डी रैटक्लिफ। और इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। इस लेसन से संबंधित कुछ बातें मैं बता दूं कि ये जो आर्टिकल है, ये पहली बार छपा था एक मैगजीन में, मंथली मैगजीन है, मासिक पत्रिका है अमेरिका की, जिसका नाम है रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट वर्ल्ड की नंबर वन मैगजीन है और इसी मैगजीन में यह आर्टिकल छपा था। यह एक हर्ट की बायोग्राफी है, एक हृदय की आत्मकथा है। इसमें हृदय अपने बारे में बताता है, अपना आकार प्रकार बताता है, अपनी कार्यशैली बताता है, अपनी मजबूती को बताता है, अपनी कमजोरी को बताता है और अपने रखरखाव से संबंधित बातें बताता है। तो आइए शुरू करते हैं। नो वन कुड से आई एम ए ब्यूटी, कोई नहीं कह सकता कि मैं सुंदर हूं। आई वे 340 ग्राम्स, मेरा भार 340 ग्राम है। आई एम रेड ब्राउन इन कलर, मेरा रंग लाल भूरा है। And have an unimpressive shape. Impressive का अर्थ होता है प्रभावशाली, unimpressive उसका विलोम है कि मेरा आकार प्रकार अप्रभावशाली है। कहने का अर्थ है कि मेरा आकार प्रकार आकर्षक नहीं है। I am John's dedicated slave, his heart. मैं जॉन्स का समर्पित दास हूं, गुलाम हूं। डेडिकेटेड का अर्थ होता है समर्पित और स्लेव का अर्थ है गुलाम। तो मैं समर्पित गुलाम हूं जॉन्स का। जॉन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम लिया गया है। हिज हर्ट उसका हृदय हूं। अब अपना परिचय दिया गया, वक्ता ने अपने बारे में बताया कि मैं हृदय हूं। आई हैंग बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, मैं उसके छाती के बीच में तंतुओं से टंगा हुआ हूं। सेंटर का अर्थ होता है केंद्र, चेस्ट का अर्थ है छाती, लिगामेंट का अर्थ है तंतु। तो मैं तंतुओं से उसकी छाती के केंद्र में या मध्य में टंगा हुआ हूं या स्थिर हूं। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हूं। एंड एट माय वाइडेस्ट पॉइंट 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, और जो मेरा सबसे चौड़ा वाला बिंदु है, जो मेरी सबसे अधिकतम चौड़ाई है, वह है 10 सेंटीमीटर। मोर पियर शेप्ड देन वैलेंटाइन, मेरा जो आकार प्रकार है वह नाशपाती जैसा है, नाशपाती जैसा कहीं ज्यादा है, न कि वैलेंटाइन जैसा। वैलेंटाइन का अर्थ है दिल। तो मेरा आकार प्रकार नाशपाती जैसा है, अधिक अधिक करके अधिक, मतलब नाशपाती जैसा ज्यादा है, न कि दिल जैसा। दिल से अर्थ है जो आप लोग पान के पत्ते जैसा बना के उसमें एरो पार कर देते हैं, तो ऐसा कुछ मेरा आकार प्रकार नहीं है, बल्कि नाशपाती जैसा मेरा आकार प्रकार है। वॉट एवर यू मे हैव हर्ड अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स, तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे बारे में कवियों के द्वारा या कवियों से सुना है, कवि तो बहुत कुछ बताते रहते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि,
बल्कि कहा तो ये जाना चाहिए कि जहां न पहुंचे रवि वहीं पहुंचता है कभी, क्योंकि सिर्फ काल्पनिक बातें करता है और जब बातों की सत्यता सामने आती है तो कल्पना बिल्कुल झूठी साबित हो जाती है। आई एम नॉट ए वेरी रोमांटिक कैरेक्टर, मैं कोई बहुत रोमांटिक व्यक्ति नहीं हूं, जैसा कि प्यार मोहब्बत करने वाले दिल की दुहाई देते हैं, तो मैं कोई प्यार मोहब्बत करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आई एम जस्ट ए हार्ड वर्किंग फोर चैम्बर्ड पंप, मैं बस कठिन परिश्रम करने वाला फोर चैम्बर्ड या चार कक्षाओं वाला एक पंप हूं। पंप एक यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज हुआ है, पंप जो लिक्विड को फोर्सली ऊपर भेजता है या कहीं भेजता है। एक्चुअली टू पंप्स, देखा जाए तो दो पंप हूं। वन टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक पंप जो ब्लड को रक्त को फेफड़ों तक प्रवाहित करता है या भेजता है। द अदर टू पुश इट आउट इन टू द बॉडी, और जो दूसरा वाला पंप है वह रक्त को शरीर में भेजता है, शरीर में प्रवाह कराता है। एवरी डे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, मैं प्रतिदिन करीब 96,000 किलोमीटर रक्त नलिकाओं में ब्लड का प्रवाह करता हूं। मेरा ब्लड जो नसों में होके दौड़ता है तो 96,000 किलोमीटर मेरे द्वारा भेजा गया ब्लड रक्त दौड़ता है प्रतिदिन। दैट इज एनफ पंपिंग टू फिल एट 18,000 लीटर ऑफ टैंक, और इतना पंपिंग अगर किया जाए तो यह 18,000 लीटर के टैंक को या 18,000 लीटर की टंकी को भरने के लिए पर्याप्त होगा। प्रायः घर में 1,000-2,000 लीटर की टंकियों का यूज किया जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में हृदय कितना ब्लड प्रवाहित करता है या पंप करता है। When John thinks of me at all, he thinks of me as fragile and delicate. When John thinks of me at all, जब कभी भी जॉन्स मेरे बारे में सोचता है, he thinks आप मी एस फ्रेगाइल एंड डेलिकेट, वो मेरे बारे में सोचता है या समझता है कि मैं कमजोर और नाजुक हूं। फ्रेगाइल का अर्थ है कमजोर या आसानी से टूटने वाली चीज, डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक, तो वह यही सोचता है कि मैं बहुत ही नाजुक हूं, बहुत ही कमजोर हूं। डेलिकेट, डेलिकेट कहने पे हृदय को आश्चर्य भी हो रहा है, नाजुक। When up to now I have pumped more than 3 lakh tons of his blood, वो मुझे नाजुक समझता है, जबकि मैं उसके रक्त का लगभग 3 लाख टन, बल्कि 3 लाख टन से अधिक रक्त मैं उसका प्रवाहित कर चुका हूं। इतना काम मैं उसका कर चुका हूं और मुझे नाजुक समझता है। I work twice as hard as द आर्म मसल्स ऑफ ए हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, मैं इतना कठिन परिश्रम करता हूं कि वह परिश्रम एक अधिक अधिक भार वाले मुक्केबाज के परिश्रम का 2 गुना होता है। आर द लेग मसल्स ऑफ ए स्प्रिंटर, या फिर स्प्रिंटर या धावक के पैरों के मसल्स से जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसके वर्क का उसके कार्य का 2 गुना होता है। लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस एंड दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स, यदि उन लोगों के मसल्स को, मुक्केबाज को या धावक के मसल्स को मेरे रफ्तार में काम करना हो तो वे टर्न टू जेली इन मिनट्स। टर्न टू जेली का अर्थ है थक जाना, तो वे सभी कुछ मिनटों में ही थक जाएंगे।
अगर मेरी तरह काम करना पड़ जाए उन लोगों को, तो जिन्हें तुम या जॉन्स या और लोग बहुत मजबूत मसल समझते हैं। नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रांग एज आई एम। शरीर में ऐसी कोई मसल्स उतनी मजबूत नहीं है जितना कि मैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ वीमेन वीमेन्स यूट्रस एज सी गिव्स बर्थ, सिवाय औरतों के गर्भाशय के जिससे वो बच्चों को जन्म देती है। तो शरीर में अगर मुझसे मजबूत मसल्स कोई है तो वह है औरतों का गर्भाशय। बट यूट्रीन मसल्स डू नॉट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स। लेकिन गर्भाशय की मसल्स 70 सालों तक दिन रात काम नहीं करते। एस आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसा कि मुझसे आशा किया जाता है कि मैं करूं। डू नॉट कीप इट का अर्थ है अपने को बनाए रखना या कार्य में लगे रहना बिना किसी बाधा के। तो गर्भाशय की मसल्स 70 सालों तक दिन रात बिना रुके काम में नहीं लगे रहते, जैसा कि मुझसे उम्मीद की जाती है कि भाई आप तो साथ निभाना कम से कम 70 सालों तक। दैट ऑफ कोर्स इज ए स्लाइट एग्जरेशन। निश्चित रूप से यह एक अतिशयोक्ति ही है, थोड़ी सी अतिशयोक्ति ही है। स्लाइट का अर्थ है जड़ा सा, एग्जरेशन का अर्थ है अतिशयोक्ति। निश्चित रूप से यह थोड़ी अतिशयोक्ति ही है। आई डू रेस्ट, मैं आराम भी करता हूं। बिटवीन बीट्स, धड़कनों के बीच में। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बाएं वर्टिकल का अर्थ है निलय, मेरे बाएं निलय को सिकुड़ने में एक सेकेंड का 3/10 हिस्सा लगता है। एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, और रक्त को शरीर में प्रवाहित करने में। निलंदर जब सिकुड़ता है तो ब्लड का प्रवाह शरीर में होता है, और इतना करने में 1 सेकेंड का 3/10 हिस्सा समय लगता है। देन आई हैव ए रेस्ट पीरियड ऑफ 1/2 सेकेंड। और एक बार सिकुड़ने के बाद या एक बार ब्लड को रक्त को शरीर में भेजने के बाद मेरे पास 1/2 सेकेंड का समय होता है आराम करने का। ऑल्सो व्हाइल जॉन स्लीप्स आई स्लीप्स ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव। सो ऑल्सो व्हाइल जॉन स्लीप्स, जब जॉन सो रहा होता है, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव इनएक्टिव एक्टिव। सो एस आई डू नॉट पुश ब्लड थ्रू देम, माई बीट्स स्लो फ्रॉम ए नॉर्मल 72 मिनट डाउन टू 55। जब जॉन सो रहा होता है तो परसेंटेज ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज कुछ नलिकाएं होती हैं जहां पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त आके एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन कैपिलरीज में या उन रक्त नलिकाओं में से अधिकांश या बड़ी प्रतिशतता अक्रिय रहती है, कार्य नहीं कर रही होती है। माने वह मेरे आंशिक विश्राम का समय होता है जब जॉन सो रहा होता है। एस आई डू नॉट पुश ब्लड थ्रू देम, उस समय मैं रक्त का प्रवाह सभी नलिकाओं में नहीं कर रहा होता हूं। माई बीट्स स्लोज फ्रॉम ए नॉर्मल 72 मिनट डाउन टू 55। और जो मेरी बीट रेट है, धड़कने की जो गति है, वह पर मिनट 72 से घटकर पर मिनट 55 हो जाती है। जॉन्स हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी, जॉन कभी कभार ही मेरे बारे में सोचता है, विच इज गुड, जो कि अच्छा भी है। मेरे बारे में ना सोचे तो अच्छा है। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स एंड वरीज
मैं नहीं चाहता कि वह उन लोगों में से हो जाए जो हृदय चिंतक होते हैं, जिनको हृदय को लेकर चिंता होती है और चिंता करें। एस बोथ इन टू रियल ट्रबल, और अगर ऐसा करता है तो हम दोनों ही निश्चित रूप से ट्रबल में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। When he does worry about me, जब कभी वह मेरे बारे में चिंतित होता है, it is nearly always about the wrong things, यह सचमुच कुछ गलत होने जैसा होता है। One night as he was drifting off to sleep, एक रात जब वह सो रहा था, drifting off to sleep का अर्थ है सो रहा, John suddenly thought I would skip. जॉन ने अचानक ही सोचा कि मैं स्किप कर गया, कूद गया, ए बिट, एक धड़कन, मैंने एक धड़कन, मैं धड़का नहीं, उसको छोड़ दिया। ही वॉज क्वाइट वरीड, तो पूरी तरह से चिंतित था। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसका साथ छोड़ रहा हूं, क्या मैं उसको धोखा दूंगा। He need not have been concerned, लेकिन उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी, चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। From time to time, my ignition system gets momentarily out of tune. समय समय पर my ignition system, मेरा जो प्रज्वलन तंत्र है, ignition system का अर्थ है प्रज्वलन तंत्र, gets momentarily out of tune. मोमेंटरी का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, क्षण, तो मेरा जो प्रज्वलन तंत्र है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है, आउट ऑफ ट्यून मतलब खराब हो जाना। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार, ठीक वैसे ही जैसे जॉन के कार का प्रज्वलन तंत्र कभी कभी खराब हो जाता है। आई जनरेट माई ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी विद्युत, अपनी बिजली खुद उत्पन्न करता हूं। एंड सेंड आउट इम्पल्स टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, और उन्हें इम्पल्स का अर्थ होता है संकेत, और उन्हें मैं संकेत के रूप में भेजता हूं। ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ है सिकुड़न, सिकुड़न की शुरुआत करने के लिए, ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न की शुरुआत। तो मैं उन संकेतों को, इम्पल्स का अर्थ होता है संकेत, तो जो विद्युत मैं अपने आप उत्पन्न करता हूं उन्हें संकेतों के रूप में हृदय की धड़कने की शुरुआत करने के लिए मैं भेजता हूं। बट ओकेजनली आई विल मिसफायर, लेकिन कभी कभी मैं मिसफायर हो जाता हूं, अपने काम को नहीं कर पाता, मिसफायर हो जाता हूं, पिलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, और मिसफायर या अपना एक बीट मैं इसलिए खो देता हूं क्योंकि जब एक बीट के ऊपर दूसरे बीट की ढेर लग जाती है तो एकाध बीट मैं नहीं कर पाता हूं। इट साउंड एस इफ आई हैव स्किप, और कुछ ऐसा आवाज होता है जैसे मैंने एक बीट को मैंने स्किप कर दिया, नकार दिया। बट आई हैव नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। जॉन्स वुड बी सरप्राइज हाउ ऑफन दिस हैपन विदाउट हिम नोइंग, और जॉन को इस बात का काफी आश्चर्य होता है कि आखिर यह सब बिना उसकी जानकारी के कैसे होता है। रिव काउंटिंग का अर्थ है हृदय की धड़कन की गिनती। आफ्टर ए माइट मेयर, एक भयानक स्वप्न के बाद, ही समटाइम्स वेक्स अप एंड वरी बिकॉज आई एम रेस्टिंग, तो कभी कभी भयानक स्वप्न के बाद जब जॉन्स जग जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि मैं बहुत तेज रफ्तार से धड़क रहा होता हूं और धड़कनों की जो गिनती है वो काफी ज्यादा होती है पर मिनट या प्रति मिनट। दैट्स बिकॉज व्हेन आई रन इन हिज ड्रीम्स, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जब वो स्वप्न में दौड़ रहा होता है तो मैं भी दौड़ रहा होता हूं। इसे आप दिमाग की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप सोए हुए हैं पर दिमाग इस चीज को मान रहा है कि आप दौड़ रहे हैं तो हृदय की गति भी बढ़ जाती है। तो दिमाग में आपके क्या कुछ बैठा है ये आप क्रियाकलापों पर बहुत गहरा असर डालता है। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स। जॉन्स की जो चिंताएं हैं वो प्रायः स्थिति को बिगाड़ देती है। एग्रेवेट का अर्थ है बिगाड़ना। मेक मी गो स्टील फास्टर, मुझे थोड़ा तेजी चलने दो। इफ ही वुड काम डाउन, यदि वह शांत हो जाता है, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, मेरी रफ्तार भी कम हो जाएगी। बट इफ